दोस्तों, आज मैं जा रही हूँ अपने आराध्य के दर्शन के लिए। इस वक्त हम हाईवे पर हैं। यहाँ पर हम चाय पानी पीने के लिए रुके थे और अब हम फिर से हमारी यात्रा यहाँ से शुरू होगी। तो मैं बताती हूँ आपको कि मैं आज कहाँ जाऊँगी। मैं हूँ इस वक्त यमुना एक्सप्रेसवे पर और हम सब अपना थोड़ा पाँव जो है वो थक गए थे, तो थोड़ा चहलकदमी कर हम अपने पैरों को थोड़ा आराम दे रहे हैं और फिर से हम बैठ जाएंगे अपनी गाड़ी में और फिर से हमारी यात्रा शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, मैं जा रही हूँ अपनी फैमिली के साथ। ये मेरी मैके की फैमिली है, मेरे भैया, भाभी, उनके बच्चे यानी कि मेरे भतीजे और मेरा भतीजा और भतीजी और मेरी बहन का बेटा है एक साथ में, जिसे हमारे यहाँ तो बहनौत बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं आप बताइएगा। तो हम चलेंगे अब यहाँ से, थोड़ी देर में निकलेंगे और साथ में मेरी भाभी की मम्मी जी भी हैं। उनका नेचर जो है बहुत अच्छा है और ये है मेरे सुपुत्र जो मेरे साथ आज जाएंगे यात्रा पर। हम कुछ घंटों चलने के बाद फिर से एक होटल पर रुके, थोड़ा फ्रेश फ्रेश हुए, चाय पानी पी, नाश्ता किया और यहाँ पर मेरी बहन का बेटा जो गाड़ी ड्राइव कर रहा है उसे भी हमने थोड़ा रेस्ट किया। तो हम अब हमें सुबह हो गई है चलते चलते। तो देखिए, ये हम इस वक्त, मैं आपको बताती हूँ, हम इस वक्त अयोध्या में पहुँच गए हैं, अपने आराध्य की नगरी। तो वहाँ का हमने, जैसे ही हमने अयोध्या में प्रवेश किया वैसे ही देखिए सूर्योदय के हमें दर्शन हुए सूर्य भगवान के, और हम गाड़ी में बैठे बैठे ही दर्शन करते हुए जन्मभूमि तक पहुँच गए। तो जन्मभूमि यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। पहले हम सरयू जी में स्नान करेंगे। तो सरयू जी में स्नान करने के लिए यहाँ हम चौराहे पर पार्किंग एरिया है, वहाँ पर गाड़ी पार्क करते हैं। ये चौराहे पर एक गोल चक्कर बना हुआ है, उसमें एक वीणा बनी हुई है और उस गोल चक्कर के सामने ही हनुमान जी की बहुत ही विशाल मूर्ति है, ये देखिए। और ये जो गोल चक्कर है, इस पर जो वीणा बनी हुई है, ये हमारे देश की कोकिला जो है लता मंगेशकर जी, उनको ये समर्पित है। इसका उद्घाटन श्री नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने किया था। देखिए, ये बहुत ही सुंदर और दूर से ही दिखाई देती है और हमने भी इसका खूब फ़ायदा उठाया। यहाँ पर हमने खूब सारे अपने फोटोज़ क्लिक किए। यह है लाड़ लड़ाते हुए, यहाँ पर जो हमने फोटो क्लिक की बहुत ही अच्छी आई है। फिर चलिए हम सरयू जी के स्नान के लिए। देखिए, सरयू जी मैया के दर्शन कीजिए। जय हो माँ सरयू की। आप भी घर बैठे दर्शन कीजिए सरयू माता के और पवित्र हो जाइए। फिर हम सब ने सरयू मैया में स्नान किया। अभी यहाँ भाभी और बच्चे नहा रहे हैं क्योंकि मैं सामान के पास बैठी थी तो मैं उनका वीडियो शूट करती रही। ये देखिए मेरे भतीजे की शक्ल। डुबकी मारो, डुबकी, अरे नहाओ जल्दी। बच्चे सरयू जी में से निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे, तो पानी में ही डटे रहे और ये बच्चों की नानी जी निकल आई हैं बाहर
और यहाँ पर हमारी एंट्री हो चुकी है सरयू जी में। अब मैं स्नान करूँगी, उससे पहले मैंने अपने कानों के टॉप्स कस लिए और ये लगाई मैंने अपने पूर्वजों के नाम की डुबकियाँ। हम बोलते हैं हमारे दही देवता के नाम की, और आपको समझाने के लिए मैंने पूर्वजों का नाम लिया। हमारे बोलते हैं कि दही देवता के नाम की डुबकी हमने लगा ली। और यहाँ पर किसी भी आप पवित्र स्थान पर जाएं तो अपने पूर्वजों के नाम की डुबकी ज़रूर लगाएं, क्योंकि वो स्नान सीधे उनको लगता है। और मेरी तैराकी आपने देख ही ली। और यहाँ पर सरयू जी में बोटिंग की व्यवस्था बहुत अच्छी की गई है, जिसे बोटिंग करनी हो वो बोटिंग कर सकता है, पर पर्सन के हिसाब से किराया लगता है। यहाँ देखिए ये चेंजिंग रूम बने हुए हैं, आप स्नान करने के बाद अपने कपड़े चेंज करने के लिए उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैंने दिया अपने पूर्वजों को जल, अपने दही देवताओं को, पहला लोटे का जल अपने दही देवताओं को और दूसरा लोटा सूर्य भगवान को मैंने अर्पित किया। तो आप भी जब भी कभी किसी भी पवित्र नदी में स्नान करें तो अपने पूर्वजों को एक लोटा जल जरूर दें और सूर्य भगवान को भी जल अवश्य दें। तो वहाँ से स्नान करने के बाद हम निकल चुके हैं अब अपने आराध्य के दर्शन के लिए। लेकिन अपने आराध्य के दर्शन से पहले हमें हनुमानगढ़ी जाना होगा। तो ये हनुमानगढ़ी के लिए हम जा रहे हैं, क्योंकि पहले हनुमान बाबा की परमिशन लेंगे तभी तो श्री राम के दर्शन कर पाएंगे। तो हम सब ने पहले हनुमानगढ़ी जाकर श्री हनुमान जी के दर्शन किए, और बहुत ही आनंद आया वहाँ पर, क्योंकि दर्शन भी बहुत अच्छे से हुए। भीड़ तो बहुत थी लेकिन बहुत ही अच्छे से दर्शन भी किए। राम जी के हम दर्शन शूट नहीं कर सकते थे, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही टाइट सिक्योरिटी है, तो इसलिए मैंने वो वीडियो शूट नहीं किया है। फिर भगवान के दर्शन करने के बाद अपने आराध्य के मैंने खूब अच्छे से दर्शन किए, और दर्शन करने के बाद खाया पिया और फिर निकल गए अपनी आगे की यात्रा पर, वो मैं आपसे आगे शेयर करूँगी। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय, हैप्पी जर्नी, मेरी तो हो ही रही है साथ में आपकी भी, तो बने रहिएगा मेरे साथ मेरी इस यात्रा पर। तो मेरी आने वाली वीडियो को ज़रूर देखिएगा, उसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि हम कहाँ पर जा रहे हैं। तो दोस्तों, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।